मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वो अपने संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। हमारे मंत्री प्रसाद लमीना जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डॉक्टर भंडारी जी, कुलदीप रांका जी और अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलरिया जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहबान, अधिकारीगण, सरकार बनते ही हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि निरोगी राजस्थान को कैसे हम आगे बढ़ाएं, निरोगी राजस्थान कैसे बने। और SMH के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने डॉक्टर देवी सेठी को, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर मिस रेडी, अपोलो वाले डॉक्टर थे, सब आए थे। और हमने एक लॉन्च किया था कि कैसे निरोगी राजस्थान पर आगे बढ़े। और सरकार बनी थी, ये किया, सब कुछ तैयारी करी और कोरोना आ गया। तो कोरोना के अंदर पूरी तरह मैं समझता हूँ कि आप सबको धन्यवाद, बधाई है, आवाज व्यक्त करते हैं कि किसी ने कमी नहीं रखी। जितने आप लोग बैठे हुए हैं या उत्सुक थे, मेडिकल फैसिलिटी के डॉक्टर, नर्सेज, मैनेजमेंट के लोग, मेरे ख्याल से ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में कि भीलवाड़ा का तो मॉडल बन गया पूरे देश के अंदर। और ये मॉडल के हमने नहीं कहा, भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय के सचिव महोदय ने ही वहाँ मीडिया को कहा कि भाई भीलवाड़ा में जो मॉडल बना राजस्थान में वही मॉडल काम आएगा आगे। तो देश में भी, देश के बाहर भी चला गया, दुनिया भर में चला गया। तो राजस्थान का एक बड़ा मान सम्मान बढ़ा कि एक नई शुरुआत की है। और उस रूप में सबने, हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग करी, एक्टिविस्ट NGO से बात करी और पब्लिक का आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोविड का मैनेजमेंट भी, फ्री इलाज, 40,000 के इंजेक्शन भी फ्री लग रहे थे, सब कुछ अच्छा हुआ। दूसरे पूरे प्रदेश का, आप सबके कारण से और पूरे प्रदेशवासियों के कारण से मान सम्मान बढ़ा। और वही दिमाग में हमेशा रहा, पिछली बार सरकार थी हमारी 2008 से 2013 तक, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे, तब पूरे देश में ये चर्चा हुई थी। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होने के बाद में स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए, बंद तो नहीं हुई पर कमजोर हो गई, मतलब ध्यान नहीं दिया गया। वापिस गवर्नमेंट हमारी बनी तो हमने उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए निरोगी राजस्थान की बात करी। उसके बाद में कोरोना के काल में तो आपको बता ही दिया। और बाद में हमने ये जो भामाशाह की योजना थी पहले, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत और भामाशाह दोनों को मिला के हमको कंबाइन किया तो संख्या डबल हो गई लगभग बेनिफिशरी की। तब भी हम लोगों ने उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया और बजट के अंदर घोषणा की हम लोग 5 लाख की बजाय 10 लाख का बीमा करेंगे और साथ में IPD OPD फ्री रखेंगे अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। और साथ में जो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसको फ्री करवाएंगे हम लोग। तो मुझे कहते खुशी है कि ये इतना बड़ा निर्णय है कि जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की है कि आप इसको पूरे मुल्क में लागू करो, क्योंकि अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का आ गया है और आना चाहिए। इतने महंगे इलाज होते हैं, हर गरीब आदमी जेब खाली हो जाती है, कर्जा लेता है, मकान बेचता है, गहने बेचता है इलाज करवाने के लिए। तो आज हम लोग 21st century में हैं और जब कई स्कीम ला रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की सभी वर्गों के लिए,
तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर जहां पर सरकार को तवज्जो पूरी तरह देनी चाहिए कि जिस प्रकार से लोग रिलीफ मिले पूरी तरह। अनुभव ये भी कहता है कि अभी ये कोरोना की तरह स्थिति आती है तो उस में जो पब्लिक सेक्टर होता है जिसमें आप लोग बैठे हुए हो वो ज्यादा सेवा करते हैं सक्सेसफुल, और प्राइवेट सेक्टर आप जानते हो उनकी स्थिति क्या है, इतने महंगे इलाज, और जब उस वक्त में मारामारी होती तो और ज्यादा उनकी रेट बढ़ जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉफिट का कोई काम नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कानून की दृष्टि से यही है कि प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता उसमें से, इसीलिए वो पैसा जो है साइफन करते होंगे, जो भी तरीका है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हो रहा है क्योंकि इसमें सोसाइटी बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जिस पैसा बाहर नहीं निकल सके तो रास्ता निकाल लेते हैं बाहर निकालने का, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा, पर बहुत ही गंभीर विषय वो भी है। और इसीलिए मैंने देखा बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली के अंदर जो दुर्गति हुई है कोरोना के अंदर, लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से भी, मैनेजमेंट की कमी से भी, लाइनें लगी हुई है बाहर अपने कारों में और एम्बुलेंस में सो रहे मरीज, बाढ़ चढ़ रही है अहमदाबाद के अंदर, ऐसी स्थिति बनी। राजस्थान वो सभा के सारे राज्य रहा जहाँ पर कोई ऑक्सीजन कमी से नहीं मरा, हमने पूरा जोर लगाया, भारत सरकार पे कोई कमी नहीं रखी सब तरह से, और जो कुछ करना था हमने किया। चार्ट पेन भी मेरे ख्याल किया दवाई लाने के लिए बॉम्बे से, एक दिन देरी क्यों हो, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ। पर वो बगैर आप लोगों के, प्रदेशवासी थे, धर्म गुरु थे, जिनको हमने जो कहा खाना पहुंचाने काम था, पुलिस कांस्टेबल ने सेवा करी हो, क्योंकि सब लोग डरते थे कि मेरे खुद को भी कोरोना नहीं हो जाए। पहली वेव में डर ज्यादा था, सेकेंड वेव में ज्यादा लोग मरे पर डर कम हो गया। तो ये तमाम बातें हैं। आज जो आपको बुलाया गया, डॉक्टर भंडारी ने वाइस चांसलर बुलाया था, मैंने तो ये प्रोग्राम आपका जो इनकी मीटिंग थी हाईजेक किया है, मैं इसी बहाने मैं सबसे मिल लूंगा, और जो हमारी थीम है ये आपकी चिरंजीव की, इस पर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन कर लेंगे। जिम्मेवारी प्रिंसिपल की बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप प्रोग्राम को चेंज करो, मैं खुद बैठ के बातचीत करूंगा, सीएस आएंगे, सब लोग बैठेंगे, तो आगे जाके आप लोगों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई जिम्मेवारी पहले से ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एमसीए की, एनएमसी की, जो नया पहले एमसीआई थी अब एनएमसी है, बड़ी बदनाम थी वो एमसीआई इनकी, और मेरे ख्याल से भगवान करे एनएमसी बदनाम नहीं हो, पता नहीं क्या हालात है, अभी तो खबरें थोड़ी बहुत आने लगी है, टाइम बताएगा कि ये बदनामी से बचेगी या एमसीआई की तरह ही रहेगी, तो टाइम बताएगा। तो कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो तब होगा तब जो बातें आपने करी है, डॉक्टर भंडारी ने, वैभव गडेला जी ने जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, और आप लोगों ने खुद ने विचार प्रकट किए हैं, हम सबको मिला के कैसे हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, उसमें सब बात आ जाती है। गाइडलाइन भी आ जाती है, एनएमसी ने जो गाइडलाइन दिए नहीं वो भी आती है, हमारे खुद के जो विचार हैं वो भी आते हैं, किस प्रकार से हम इसको लोगों को राहत पहुंचाएं। मेडिकल कॉलेज बनना एक बात है, वो तो बन जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, टेक्निकल चल जाएगा, हालांकि उस पर मेरा कई बार एतराज रहता है कि आपके जब एमएमएमआईसी के, एमसीआई के लोग आते थे, अभी एनएमसी के आते होंगे लोग, तो आप बताइए सरकारी अस्पतालों के अंदर भी भेजना पड़ता है प्रोफेसरों को या एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को, क्या आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वैभव गैलरी जी आप सोचिए इस बारे में कि इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, उदयपुर में आ रही टीम तो जोधपुर से, अजमेर से भेजो वहां पे डॉक्टरों को, ये लगे नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको बदलना चाहिए, नौबत नहीं आए, और इसके लिए कुछ करना चाहिए, फाइनेंस और वैभव मिलकर कुछ करें, कुछ और भर्ती करना करें, कुछ भी करें, पर
पर ये आप अगर प्राइवेट सेक्टर क्यों दोष दें हम लोग, जब खुद ही हम ये काम करते हैं, तो ये तमाम बातें बंद होनी चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो 33 जिलों में 30 जिले में बन रही है कॉलेजेस, दो का वो कह के मिस्टर गौतम अडानी, तो वो तो इतना बड़ा प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल उन्होंने कहा तो पूरा होगा, तो दो जिले और कवर हो जाएंगे, एक जिला और कोई जुगाड़ करेंगे उसका भी। तो 33 जिले में ये कॉलेज बन रही है आपकी, और कॉलेज बन रही है एक प्रकार बोले वो राम मेश क्या क्या कब राजमेश, तो मान लीजिए सोसाइटी कुछ भी है पर सरकारी है एक प्रकार से। तो अगर वहां पे स्टैंडर्ड नहीं हुआ कायम और खाली वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कहलाई, तो राजस्थान के लोगों को देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां जो निकलेंगे बच्चे MBBS करके या आगे कोर्स करके, उसका लेवल क्या होगा? तो हम सबकी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकार की कॉलेज को स्टैंडर्ड बढ़ाएं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे निकले MBBS करके, MD करके, DM करके, जो भी निकले, मैं समझता हूँ वो उस रूप में निकले, उस ढंग का उनको कोर्सेज, उन ढंग की पढ़ाई हो, उन ढंग के डिसिप्लिन मेंटेन हो, जो आपने प्रोटोकॉल कायम किया है वो सब लागू हो, कैसे उनको व्यवहार करना है मरीज के साथ में, किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, सब कुछ है। तो उस स्टैंडर्ड की कॉलेजेस आने वाले वक्त में बने, उसकी अपील मैं आपसे से करना चाहूंगा, इसलिए आपको तकलीफ दी है। जो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है वो सालों से चल रही है, 30-40 साल हो गए, उनकी अलग बात है। तो अब आपके साथ में जो आपको जोड़ा गया उन कॉलेज के साथ में, आपका उनका रिश्ता इतनी एफिनिटी का होना चाहिए आपस के अंदर, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई बात बताएंगे उनको या तकलीफ बताएंगे तो वो हमारी हल करेंगे। और जिनको जोड़ा गया मेडिकल कॉलेज को, उनकी जिम्मेवारी वो 3 कॉलेज ली है, मेडिकल 3 ली है अभी, 3 कॉलेज ली है और बाद में बढ़ सकती है जैसे कॉलेज बनेगी, उनको वो किस रूप में गाइड कर सकते हैं या उनके अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ जाए डॉक्टर ट्रेनिंग हो जाए उनकी, कुछ डॉक्टर यहाँ आ जाए बड़े अस्पताल में जो गवर्नमेंट का पुराना, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ओरिएंटेशन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि स्टैंडर्ड जो आपका है नई कॉलेज का, वो भी जितना जल्दी हो तब पिकअप करें। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा और मैसेज भी कर जाएगा कि नाम मात्र कॉलेज क्यों खोली है, या उनमें जो निकलेंगे डॉक्टर अगर उनकी शिकायत आए तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। UP गवर्नमेंट वक्त पे स्कीम शुरू हुई थी, फॉर्चुनेटली NDA गवर्नमेंट को बंद नहीं किया, उनको आगे बढ़ाया, इसलिए आज ऐसी स्थिति में अपन है कि कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि जो हम सब की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाकी काम तो मान लो PHC CHC सब सेंटर के तो अलग है, उसके लिए अलग बात, हम लोग करते रहते हैं रिव्यू मीटिंग में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबको कैसे उनको मेडिकल सर्विस मिले, गांव तक में आना नहीं पड़े उनको, कस्बों में भी और जिले के अंदर भी। तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर मेडिकल ठीक होगा, तो आज जो एक माहौल बना देश के अंदर कि राजस्थान ने बहुत बड़ा जंप किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है जिले के अंदर, और साथ में चिरंजीव योजना भी लागू कर दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन का बीमा भी साथ है 5 लाख का, आप सबको तो मालूम होगा, होना भी चाहिए, और किस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। अब बात रही जो इम्प्लीमेंट करने की योजना को, उसमें आप लोग खुद अपने अनुभव बता रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप लगातार सुधार करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो होती है वो इतने बड़े फैसले के बाद में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में अगर मान लो तकलीफ आए, दवाएं बाहर से आ रही है, जो भी मंत्री जी भी बोल रहे थे और काफी खबर आती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि हर छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तब जाकर के एक ऐसा मैसेज जाएगा। अभी मैं गया SMS के अंदर, जब मैं जा रहा था गाड़ी के पास तो मैंने कुछ बात की वहाँ जो आए हुए थे पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह, एक स्वर में सब बोले बहुत अच्छा इंतजाम है,
बहुत अच्छा फ्री इलाज हो रहा है। और मैं गया 2 महीने पहले तो उन लोगों ने शिकायतें भी करी, तो अब धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी कोशिश है कि मैं कोई जिले में जाऊँ दौरे में, तो मैं अचानक चला जाऊँ आपके वहां पर, आपसे मिलना भी हो जाएगा, आपके साथ चाय पी पाऊंगा, और साथ में मैं देख भी लूंगा कि वहाँ मरीज लोग क्या कह रहे हैं, जो बाहर भी जाए खड़े रहते हैं अटेंडेंट वगैरह, थोड़े एक फीडबैक मिलेगा। मंत्री जाएंगे, मैं जाऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये योजना जो है कम से कम इसमें राजस्थान का नाम अगर नंबर 1 होता है देश के अंदर, उसका भी असर पड़ता है। इस प्रकार से मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये सब बातें यहाँ हुई है, मेंटेनेंस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे नवीन मान जी को, हिमाचल जी को मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी आज की बात चाहिए, आप चाहे तो ऑर्डर निकाल दें कि पहले, मतलब ये इनका ही काम है, ये कोई वहां पर अभी तक तो ये सिस्टम ये है कि डिमांड पे आप काम करते हैं, भाई हमारे भाई आपकी हमारी तकलीफ है तो वो एस्टिमेट बनाएंगे करेंगे, उल्टा चले, प्रॉपर्टी आपकी हो और आप उसकी कैसे देखभाल करो, उस ढंग से चलोगे तब जाकर के ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, दोनों को मिलकर करना, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। पर इतना आप टॉयलेट है, सफाई का काम है, वो जो मेंटेनेंस का काम है, दीवारें गिरती है, कई बार खबर आती है तो प्लास्टर ऊपर नीचे पड़ गया, लग भी गई लोगों के साथ, डेथ भी हो गई थी बाढ़ में वगैरह में कहीं पर, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो जोधपुर में तो बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब अगर गवर्नमेंट अस्पताल में डेथ इसलिए हो जाए कि छत से प्लास्टर गिर गया जो भी है, तो टोटल जिम्मेवारी आपकी होगी मेंटेनेंस की, आप अपनी बॉल कोर्ट में डाल दीजिए, अकेले लड़ा निकाल दीजिए, ठीक है, बोलो वैभव आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये जाने के काम जाने हैं, क्या से पैसा लाए क्या करे, ये काम बेटी प्रबंधन का काम है। पर काम जो है जब हम दवाएं फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम नहीं जा सकता आदमी, मतलब क्या बीतती है मरीज पर बेचारे में, मैं तो देखता रहेगा वहां पर, मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता है मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया समझ भी। तो मैं कहना चाहूंगा कृपा करके आप इस काम का हाथ में लो और तरकीब से अपने इसको, दूसरा ये गंदगी करते रहते लोग बाग भी जाते हैं, थूक थूकते हैं, ज्यादा बीड़ी को लेते रहते हैं, उसके लिए बोर्ड लगे वहां पर, कोई फाइन का सिस्टम करें आप लोग, मेडिकल कॉलेज वाले 5,000 फाइन लगाए डराने के लिए कि 5,000 या 2,000, ज्यादा तो मत करूंगी तो चिंता रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, अगर 2,000 हजार का करें, 1,000 ही बहुत होता है, 1,000 का फाइन लगेगा, मान लो आप ये अगर लिख दो बोर्ड लगा लो, और आपके जो वहां पे गार्ड वगैरह होते हैं थोड़ा उनको एक बार एक दो बार उनको पूछ लेंगे भाई आपको फाइन लग रहा है आप बताइए, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, इतनी गंदगी कर देते वो लोग भी कि कहाँ का सफाई करें आपके लोग, तो ये बात जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, एक लाइन में लगने वाली बात बहुत बुरी है, बात आपने किसी ने कहा था अभी, वो कम से कम कैसे हो, आप खुद नवाचार करो, अपना अपने अपने कॉलेज में कॉम्पिटिशन करो, आप सब लोग जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि पहले मैं कैसे आगे स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आगे बढ़ूं, मैं समझता हूँ इस दिशा में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए और छूटना चाहिए। क्या है एक जो जनरल शिकायत रहती है बेड सीट की और बेड वो क्या बिस्तर की, इतने अच्छे काम होने के बावजूद भी इतने बिस्तर गंदे पड़े रहते हैं, तो कई बार दवाइयाँ ड्रिप चढ़ती है करती है वो भी कारण है, पर इतने मतलब गंदे और घटिया मतलब वो बिस्तर होते हैं, बेड बेडशीट नहीं आती है, ठीक है सर, आपको ठीक हो गया। ये थोड़ा सब जगह ठीक थोड़ी हुआ गुजरता है में, तो उसका आप वो भी देखिए आप उसका अगर मान लो अब ठीक है, इसके बाद ठीक हुआ, सब जगह ठीक है। अच्छी बात है, ठीक हुआ तो ठीक होना चाहिए, मतलब उसका एक तरीका, एक हमारे एमएलए है वहाँ आपके मित्र आपके जिले के वो हुडला, उसने नवाचार किया है कि हर दिन नया कलर का वहां वो बेडशीट लगाते, क्या बेड लगाते बेडशीट, उससे उसको बदल नहीं मालूम पड़ता था आज बदली क्यों नहीं है, तो
और बदलते नहीं, 5-5 साल 10 दिन बदलते हैं। तो आप कुछ नवाचार कीजिए कि आपकी बैल सीट बदली जाए, कम से कम पेशेंट की बीमारी भी तो आप जानते हो कि इन्फेक्शन से तल्लु रखती है। दुनिया के मुल्कों में आप आईसीयू में नहीं जाने देते हैं, इसलिए कि मतलब इन्फेक्शन रहेगा। हमारे यहाँ तो जूते पहन के जा रहे हैं लोग, कई बार तो नेता लोग आते हैं तो साथ में घुस जाते हैं, सपोर्टर घुस जाते हैं, फॉलोवर्स। रोक लगाओ मंत्री जी, आप उससे नहीं मालूम है, मालूम नहीं उससे काम नहीं रहता। आप एलो ही नहीं करो, कोई मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, कोई साथ में नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये मीडिया वाले आप कैमरा वाले और फोटोग्राफर आप भी जाते हैं अंदर, उन पर रोक लगाओ आप। कोई ये तो आपके उसमें आना चाहिए, आपके वैभव जी आप इसको अपने सर्कुलर में डालोगे, कोई मतलब ये चाहिए, कोई कोई तरीका करते करते सुप्रीम कोर्ट थक गया। 80 के अंदर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था, तब सुप्रीम कोर्ट का एक चल रही PIL, कैपिटल फीस नहीं होनी चाहिए, उसमें लाख-डेढ़ लाख होती थी जमाने के अंदर। वही महाराष्ट्र में कर्नाटक में होती थी अपने, तो मैंने बाद में एलो गया कॉलेजेस को। और मुझे याद है उस वक्त में जो है वो होती थी लाख-डेढ़ लाख-सवा लाख ऐसे कुछ था, तब भी वो रोकने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट पूछो वो 1 लाख की अब कितनी हो गई, 50 लाख हो गई, 1 करोड़ हो गई, और पूछ कैसे करो तो आप 2 करोड़ पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है। डॉक्टर बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनके डॉक्टर लोग ना रहेंगे कि वहाँ डॉक्टर भंडारी क्या भूल गया मीटिंग में, पर हालात बड़े खराब है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जरा देखना चाहिए अपने को कि क्या करें क्या नहीं करें, कम से कम मानवीय दृष्टिकोण सब काम करना चाहिए, मेरा मानना है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी में हम लोग जोर दे रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो लोगों को राहत मिले। कुछ महंगे के जमाना बहुत भयंकर महंगा ही है, तो कम से कम मेडिकल साइड के एजुकेशन में कुछ तो राहत मिले। तो मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने मेडिकल कॉलेज को हर तरह से उसको ऊपर लाने के लिए। अलवर के जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं वो मैं मेरी स्लिप भूल गया, इधर मिल नहीं रही मुझे, आपने जो कहा था उसको वैभव गिरी देखेंगे उसको कि क्या कर सकते हैं उसमें। आपने तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉल्यूशन से है ना सर, उसको आपने एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया होता आपने, अच्छा किया। दूसरा आपने कहा कॉलेज फैक्ट्रियों के बीच में है, बहुत प्रदूषण होता है, इस पर देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो सुझाव दिए सब नोट किए गए हैं, मैं समझता हूँ उसको हम लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप सबसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आप सभी के लिए लंच का आयोजन किया गया है, तो मैं सर के बिहाफ पे आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप उस लंच में आप सभी बना रहे आइए, स्वागत है सबका।